हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज जो है मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, आज मैं कुछ अलग सी वीडियो बनाने वाली हूँ और मैं आपको बताऊँगी अभी कि मैं आज क्या वीडियो बनाने वाली हूँ। मैंने बहुत काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है आपको बताने का। तो मैं आज जो है मैं अपने छोटे से बच्चे को, छोटे से बेबी को क्या क्या ड्रॉप्स पिलाती हूँ मैं आपको बताऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इतनी सारी ड्रॉप्स हैं जो मैं आपको एक एक करके हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले है विटामिन D3, ये देख सकते हैं, ये है विटामिन D3। और विटामिन D3 ड्रॉप्स जो होती है उसको आप 0.25 ml पिला सकते हैं। जितना बेबी आपका मंथली बढ़ते रहेगा उतने ड्रॉप्स आपके बढ़ते रहेंगे। और मैं इसको 2 times पिलाती हूँ, 0.25 ml में जो है 2 times पिलाती हूँ उसको। विटामिन D3 जो है क्यों पिलाई जाती है मैं बताती हूँ आपको। आप ये विटामिन D3 को 6 months तक या 1 साल तक पिला सकते हैं। ये जो है मतलब बच्चे होता है ना, कुछ बच्चों के पैर सिकुड़ जैसे जाते हैं या काम नहीं करते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं बच्चों के हाथ पांव, तो उसी चीज़ के लिए हमें विटामिन D3 पिलाई जाती है। तो विटामिन D3 जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद से ही बच्चे को पिलाई जाती है। इसके मेरे पास 2 कंपनी के ड्रॉप्स हैं, ये है मायोल ड्रॉप, ये देख सकते हैं मायोल कंपनी का ड्रॉप्स है विटामिन D3 की। और जो दूसरी विटामिन D3 है वो है जेनेस कंपनी का। तो विटामिन D3 भी अलग अलग कंपनी की मिलती है, लेकिन इसे पिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। अगर बच्चे को कमज़ोरी नहीं आनी है या बच्चों के हाथ पर सब कुछ सही चाहिए तो आप विटामिन D3 पिलाएं। तो जब से डिलीवरी हुई थी तब से मैं विटामिन D3 पिला रही हूँ। सबसे पहले मुझे ये विटामिन D3 मिली थी हॉस्पिटल से, तो मैं इसे पिलाती हूँ। अभी ये ख़त्म होने वाली है तो मैंने दूसरी ड्रॉप ली थी, तो मुझे दूसरी ड्रॉप जो मिली थी वो दूसरी कंपनी की मिली थी, तो मैं अब ये ड्रॉप पिलाती हूँ अपने बच्चे को। तो नेक्स्ट जो है, और बिना डॉक्टर के आप कोई भी जो है ड्रॉप्स को ज़्यादा ना पिलाए, जितना मंथली है उसी हिसाब से ही उतनी ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं उसको। तो नेक्स्ट है हमारी मल्टीविटामिन। तो जो मेरे पास मल्टीविटामिन पड़ी है वो है जिंकोफाइन, ये देख सकते हैं आप, मेरे पास जो मल्टीविटामिन पड़ी है वो है जिंकोफाइन। ये जो बच्चे पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं या जिनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जो पतले ही शरीर से बचपन में ऐसा होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं हेल्थी होते हैं तो कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो हमेशा हर बच्चे को ये पिलाई जानी चाहिए मल्टीविटामिन विटामिन D3। तो मैं जो पिलाती हूँ वो है जिंकोफाइन। तो ये डॉक्टर ने परचेस की थी जिंकोफाइन, तो मैं इसको ही 0.5 ml पिलाती हूँ अब मैं इसे। और ये भी जितनी मंथली बच्चा बढ़ते रहेगा उतने ही ड्रॉप्स आप इसे बढ़ाते जाइए, और बिना डॉक्टर के परामर्श के आप ये ड्रॉप्स को ज़्यादा ना पिलाएं। वैसे तो इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है अभी तक, ना विटामिन D3 का साइड इफ़ेक्ट है अभी तक कोई ज़्यादा, और ना ही जिंकोफाइन का ही साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादा। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट जो ड्रॉप्स है वो है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड जो है ये भी जो है 0.25 ml पिलाई जाती है। जितना बेबी मंथली बढ़ते रहेगा उतने ही ड्रॉप्स ये भी बढ़ते रहेंगे। ये फॉलिक एसिड क्यों पिलाई जाती है? जब बच्चा डिलीवरी के बाद जब बच्चा बाहर आता है तो उस वक्त जो है खून की कमी सही रहती है। उसके बाद जब 3 months तक या 4th month में खून की कमी जो है बच्चे की उसमें थोड़ा सा कम होती जाती है, तो इस वजह से जो है 6 months तक या 1 साल तक ये जो है फॉलिक एसिड की ड्रॉप्स पिलाई जाती है। और जब मेरा बेबी जब 1st month का था तो इसको मैं 0.5 ml पिलाती थी, और अभी जो मेरा बेबी जो है 5th month का हो चुका है तो मैं इसे 3 ml पिलाती हूँ। तो वही बोला कि मैंने कि जितना बच्चा मंथली बढ़ते जाता है उतनी ड्रॉप बढ़ती जाती है, तो बिना डॉक्टर के आप ज़्यादा ना पिलाएं बच्चे को ड्रॉप। तो ये है मेरी आयरन की ड्रॉप्स। तो नेक्स्ट है हमारी कॉलिकेट एसिड। कॉलिकेट एसिड जो होती है ये हमेशा कब्ज़ या किसी बच्चे को कब्ज़ हो रहा है या उसका पेट फूल रहा है या पेट में उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये कॉलिकेट ड्रॉप्स पिलाई जाती है। इसमें जो कॉलिकेट ड्रॉप्स में जो है
क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है डिल ऑयल है, फेनल ऑयल है, साइमिथिकॉन है, ये देख सकते हैं आप, डिल ऑयल, फेनल ऑयल, साइमिथिकॉन है। तो अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जो डिल ऑयल होता है वो पेट में हमारे जो बच्चे के जो पेट में मरोड़ होती है, तो उस चीज के लिए ये जो है डिल ऑयल होता है। और जो फेनल ऑयल होता है, ये देख सकते हैं, ये जो फेनल ऑयल है, ये फेनल ऑयल जो होती है, बच्चे को जो कभी कभी दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है या कभी कम दर्द होता है, तो उस चीज के लिए फेनल ऑयल होती है। और जो साइमिथिकॉन ड्रॉप्स होती है, ये गैस के लिए होती है। तो ये जो है इंग्रेडिएंट्स इसमें मिले हुए हैं, ये है मेरी पेट दर्द या पेट फूलना या गैस के लिए जो है, मैं कॉलिकेट ड्रॉप्स पिलाती हूँ अपने बेबी को। ये भी मैंने डॉक्टर से ही परचेस की थी, डॉक्टर ने ही मुझे बोला था कि कभी भी इसके पेट में दर्द हो या पेट में मरोड़ आए तो आप ये पिलाइए, तो मैं ये पिलाती हूँ अपने बच्चे को। ये जो ड्रॉप है ये मैं 3 ml पिलाती हूँ। जब बच्चा मेरा छोटा था तो उसके पेट में दर्द होता था तो मैं उसको 0.5 ml पिलाती थी, लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया है तो मैं उसको 3 ml पिलाती हूँ ये ड्रॉप। जो नेक्स्ट है वो है पैरासीटामोल। ये पैरासीटामोल जो है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है PUC ड्रॉप। तो ये जो है 4 ड्रॉप पिलानी है, हर 6-6 घंटे में 4 ड्रॉप पिलानी है, हर 6-6 घंटे में 4 ड्रॉप पिलानी है। हमेशा जब भी इसको मतलब वैक्सीन लगती है या कभी कुछ फीवर आ जाता है, थोड़ा बहुत फीवर आता है, तो मैं इसको 4 ड्रॉप पिलाती हूँ हर 6-6 घंटे में। पैरासीटामोल के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना विटामिन D3 के साइड इफेक्ट है, ना मल्टी विटामिन के साइड इफेक्ट है, और ना ही कॉलिकेट के साइड इफेक्ट है। और नेक्स्ट है हमारा ग्राइप वाटर, ये देख सकते हैं, ये है बच्चे को ग्राइप वाटर पिला सकते हैं। इसमें जो है मेडिसिनल हर्ब्स एंड वाटर मिले होते हैं, ये भी पेट दर्द के लिए या बच्चों के जब दांत आने के लिए जो होता है उसी के लिए ये पिलाया जाता है ग्राइप वाटर। या बच्चों के दांतों में जब सूजन आ जाती है, आने से पहले जो है थोड़ा बहुत सूजन आ जाती है, तो उसके लिए भी ये ग्राइप वाटर पिलाया जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो ग्राइप वाटर है वो भी अलग अलग है। देखो जो न्यू बॉर्न के लिए है वो 2.5 ml पिलाया जाता है, और जो 1 से 6 month के लिए है वो 5 ml पिलाई जाती है। और उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, टीस्पून 3 times पिलानी है, कितने टाइम्स पिलानी है, सब कुछ लिखा हुआ है। और 6 से 12 month जो है 10 ml पिलानी है, और जो 1 से 3 years के लिए है वो है 10 to 15 ml पिलानी है। ये तीनों टाइम पिलानी है, और ये जो है आप इसको 3 साल तक आराम से इसको ग्राइप वाटर को पिला सकते हैं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आप इसको 3 times आराम से पिला सकते हैं ग्राइप वाटर को। आप देख सकते हैं हर किसी में जो है, इसमें देख सकते हैं पैरासीटामोल में भी बताया गया है कि कितने ml आप लोग ड्रॉप्स को पिला सकते हैं। तो आप बिना देखे या बिना डॉक्टर के परामर्श के आप कोई भी ड्रॉप ज़्यादा ना पिलाएं। ये देख सकते हैं ये जो है वेट और मंथ के अनुसार आप कितने ड्रॉप्स या कितने ml आप पिला सकते हैं। ये देख सकते हैं 3 to 5 जो है 0.5 ml पिला सकते हैं, और जो 3 to 6 month के लिए वो 0.8 ml पिला सकते हैं। ऐसे ही आप देख के, बिना देखे आप, बिना परामर्श के आप डॉक्टर से आप कोई भी ड्रॉप्स अपने बच्चे को ना पिलाएं। ऐसी कॉलिकेट में भी ड्रॉप्स लिखी हुई है, देखो कि 5 to 10 ड्रॉप्स जो है वो 4 times अपने बच्चे को पिला सकते हैं, वो भी 6 से 12 month के लिए। और जो 6 month से नीचे के हैं उनको 5 to 10 ड्रॉप्स, ये है कॉलिकेट ड्रॉप्स, इसको भी जो है 6 month से नीचे के 5 to 10 ड्रॉप्स पिलानी है, वो भी 4 times पिलानी है। और जो 6 से 12 month के हैं उनको भी 10 to 20 ड्रॉप्स पिलानी है। और ऐसे ही हर किसी के लिए लिखा है कि 1 साल के बच्चे के लिए कितना पिलाया जाता है और 6 month के लिए कितना पिलाया जाता है। तो आप इसमें से बिना देखे या पहले जब भी आप पिलाना चाहें तो आप पहले डॉक्टर से पूछ लें कि हम कितना पिला सकते हैं। वैसे तो इसमें मेंशन लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर से एक बार पूछ लें कि कितनी हम लोग ड्रॉप पिला सकते हैं। तो हर किसी में लिखा हुआ है, मल्टी विटामिन्स में और विटामिन D3 में, ये देख सकते हैं हर किसी में लिखा हुआ है कि आप कितनी ड्रॉप पिला सकते हैं कितने मंथ के बच्चे के लिए। तो दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसी ही अलग सी वीडियो बनाई, मैंने सोचा कि आज मैं अपने बच्चे से रिलेटिव वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को जब दवाई पिलाते हैं छोटे में, तो उन्हें पता नहीं होता कि हम कितनी ड्रॉप्स मिलाएं। तो सबसे पहले आप, वैसे तो डॉक्टर आपको बता ही देते हैं कि कितनी आपको ड्रॉप्स पिलानी है, एक दिन में कितने पिलानी है या मॉर्निंग या नाइट में कितनी ड्रॉप्स पिलानी है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी आप
आपको ड्रॉप्स बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी के लिए। तो दोस्तों आज का कुछ वीडियो इस तरह से था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ और आज मैं अपने बच्चे से ही रिलेटेड कुछ वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं बच्चे को, अपने बेबी को, छोटे से बेबी को मैं क्या क्या ड्रॉप्स पिलाती हूँ, तो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।